हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, मैं आज आपको बताने वाला हूँ 5 वर्स्ट हेयर कट मिस्टेक टीन मेक्स। गाइज, आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी जिसमें ये बताया जाता है कि आप ऐसी हेयर कट लो और ये आप पे बेस्ट दिखेगी, ये आप पे सूट करेगी। और आप वैसी हेयर कट करवाते हो बट वो आप पे सूट नहीं करती है, क्योंकि गाइज आप ये 5 मिस्टेक करते हो जिससे आपकी हेयर स्टाइल पूरी ख़राब हो जाती है। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, सो आप ये वीडियो एंड तक देखें गाइस। जब आप हेयर कट लेने जाते हो तो आप ये 5 मिस्टेक करते हो जिससे आपकी हेयर स्टाइल पूरी ख़राब हो जाती है। सो आपको ये 5 गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। सो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। फर्स्ट मिस्टेक है हेयर लाइन। गाइस, जब आप हेयर लाइन क्लीन करवाते हो तो वो टाइम आपके हेयर स्टाइल बहुत अच्छी दिखती है, बट बाद में 2-3 दिन बाद जब आपके हेयर रीग्रोथ होती है तो वो आप पे बहुत ख़राब दिखता है। गाइस, अगर एक बार आपने हेयर लाइन हेयर्स क्लीन करवा दिए तो आपको एवरी ऑल्टरनेट डेज पे बार बार विजिट करना पड़ेगा और आपको हेयर लाइन फिर से क्लीन करवाना पड़ेगा। सो मैं आपको बोलूँगा कि अपने हेयर लाइंस कभी भी आप उसको क्लीन ना कराएं, उसको ट्रिम ना कराए, ताकि आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी। सो आप कभी भी हेयर लाइन को क्लीन ना करें। अब आते हैं गाइज मिस्टेक नंबर 2, साइड कट। गाइज, मुझे पर्सनली बहुत बकवास लगता है ये साइड कट की ट्रेंड। गाइज, अगर आप दूसरे को देख के ये ट्रेंड फॉलो कर रहे हो तो ये आपकी हेयर स्टाइल को बिगाड़ देगा। ये साइड कट बहुत ही कम लोगों पे सूट होता है। सो गाइज, आप अपने हेयर स्टाइल पे कोई ऐसी एक्सपेरिमेंट ना करें जिससे आपकी हेयर स्टाइल रुइन हो जाए, ख़राब हो जाए। अब आते गाइज मिस्टेक नंबर 3, लाइनअप। गाइज, लाइनअप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक अच्छे हेयर स्टाइल दिखने के लिए। सो कभी आप लाइनअप को ना ज़्यादा मोटा रखें और ना ज़्यादा पतला। गाइज, लाइनअप को कभी भी मीडियम रखें जो सिंपल दिखे, जिससे आपकी हेयर स्टाइल पे एक अलग लुक आए, आपकी हेयर स्टाइल इनहेंस करेगी। अब आते हैं गाइज मिस्टेक नंबर 4, रिसीडिंग हेयर लाइन। गाइज, अगर आपको रिसीडिंग हेयर लाइन है तो आप साइड हेयर को प्रॉपर शेप दे, साइड हेयर को फेड करें एंड कभी भी साइड हेयर को फुल ट्रिम ना करें लाइक दिस। साइड हेयर बॉटम पे हेयर लेंथ कम रखें एंड टॉप पे ज़्यादा रखें ताकि रिसीडिंग हेयर लाइन कवर हो जाए लाइक दिस। 5th टिप है गाइज बैक हेयर। गाइज, कभी भी आप अपने बैक हेयर के लेंथ ज़्यादा ना रखें, बहुत ही ज़्यादा ऑड लगता है। सो गाइज, बैक हेयर को कभी भी मीडियम लेंथ में रखो, जो कि आपके हेयर्स को इन्हेंस करेगी, हेयर स्टाइल को एक नया लुक देगी। सो ये थी गाइज 5 मिस्टेक जो आप करते हो एंड आपकी हेयर स्टाइल ख़राब हो जाती है। सो गाइज, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। Are you listening? Damn.